दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं, अगर आप हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग एक साथ में करते हैं तो ये वीडियो खासकर आप ही के लिए है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आज हम ये बात करने वाले हैं कि जैसे अगर आप एमएस वर्ड पर इंग्लिश में कोई चीज टाइप कर रहे हैं, लेट से आप कुछ भी इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, मैं थोड़ा यहाँ पर इसका जो लैंग्वेज का जो फॉन्ट है उसे मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ। अब यहाँ पर कोई भी चीज मैं लिखता हूँ, यहाँ से कुछ भी ABCDXYZ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में टाइपिंग हो रही है। अब अगर हमें इसमें कुछ भी चीज अगर हमें हिंदी में लिखना है तो हमने क्या किया, कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की को हमने प्रेस किया यहां से, और अब हम देखें यहां से ये जो है हम हिंदी में टाइप करना शुरू कर दिए हैं। इस तरीके से जो है यहां पर ये जो इस तरीके से ये एक टिप्स और ट्रिक्स है, ये काम करता है। अब देखिए यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अगर उनको इंग्लिश में कोई चीज टाइप करना होता है तो वो लोग यहां से जाते हैं इस फॉन्ट को यहां से जाकर के और अपने मन मुताबिक फॉन्ट को सेलेक्ट करके और जो है यहां से अपनी टाइपिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद फिर जैसे ही उन्हें अगर हिंदी में टाइपिंग करना होता है तो वो वापस यहां से जाते हैं और इस फॉन्ट को यहां से जा करके और अपने मन मुताबिक फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहां से उन्हें जो है इस तरीके से वो लोग टाइपिंग करते हैं। तो देखिए ये जो तरीका है ये तरीका काफी पुराना हो चुका है। हम क्या करेंगे, अपना वही ये वाला तरीका अप्लाई करेंगे कि जब मुझे मन हुआ तब मैं इंग्लिश में टाइपिंग करना शुरू कर दिया और जब मुझे मन हुआ तब मैं यहां से हिंदी टाइपिंग करना शुरू कर दिया। तो ये सब कैसे करेंगे, चलिए फिर शुरू करते हैं आगे की वीडियो, क्या क्या इस तरीके से कहानी है। तो ये देखिए ये जो ट्रिक है ये देख करके हो सकता है आप लोगों के दिमाग में कुछ इस तरीके का सवाल हो कि इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है। तो देखिए ऐसा है कि इसका जो शॉर्टकट की है वो आपको खुद बनाना पड़ेगा इसके लिए। और देखिए हमने अपने कंप्यूटर को पहले जैसे कर लिया है, यहाँ पर मैं कोई भी शॉर्टकट की यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो वो काम नहीं कर रहा है अभी इस समय, ये इंग्लिश यहाँ पर ये सेलेक्ट है और इंग्लिश में है ये काम कर रहा है। देखिए जैसे मैं शॉर्टकट की हमने प्रेस किया था तो कुछ अलग प्रोग्राम खुल कर किया गया था। खैर छोड़िए अभी हम आगे बात करते हैं। और देखिए आपको यहाँ पर अभी पुराना ही वाला ये जो तरीका है यही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम इसे कैसे करेंगे इसके लिए, चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फाइल टैब है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और देखिए सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा एक ऑप्शन का बटन, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए एक इस तरीके से प्रोग्राम खुल करके आएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा कस्टमाइज रिबन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आपको एक कस्टमाइज का एक बटन दिखेगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखिए कुछ इस तरीके से एक प्रोग्राम खुल करके आएगा। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से एफ सीरीज को प्रेस करना है। एफ बटन को प्रेस कर दीजिए तो ये एफ सीरीज में ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए फॉन्ट लिखा हुआ होगा, इसको आपको सेलेक्ट रखते हुए आप यहाँ से अपने मर्जी का फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कृतिदेव फॉन्ट के लिए हिंदी टाइपिंग के लिए हम सबसे ज़्यादा कृतिदेव 010 फॉन्ट का यूज करते हैं और इंग्लिश टाइपिंग के लिए सबसे ज़्यादा एक कोकिला इंग्लिश फॉन्ट होता है उसका हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कृतिदेव फॉन्ट को यहां से हम ढूंढ लेते हैं कहां पर है, यहां से आप इस तरीके से इसे ढूंढ सकते हैं, ये देखिए ये वाला है। अब आपको क्या करना है, आपको शॉर्टकट की खुद ही बनाना है, क्योंकि इसकी जो शॉर्टकट की है शॉर्टकट की यहाँ पर फिक्स नहीं है। जैसे कि अगर आप कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी होता है या फिर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी होता है, तो इस तरीके से शॉर्टकट की इसके अंदर निर्धारित नहीं है, आपको शॉर्टकट की बनाना होगा। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक रखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले बॉक्स में आपको लिखना है कोई भी आपको शॉर्टकट की बना देना है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की। चलिए ठीक है हम शॉर्टकट की दे देते हैं, यहाँ पर हम शॉर्टकट की चलिए देते हैं Ctrl 1, यहाँ पर ये प्रेस कर देंगे और यहाँ पर देखिए आपको एक असाइन का बटन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। एक फॉन्ट का जो शॉर्टकट की है वो हमारा सेलेक्ट हो गया है, फिक्स हो गया है। अब अगर हम Ctrl 1 को प्रेस करेंगे तो ये कृतिदेव फॉन्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, आप हिंदी टाइपिंग में इसे आप कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर हम इंग्लिश फॉन्ट के लिए भी एक फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे, एक शॉर्टकट की को सेलेक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, चलिए ठीक है हमारे लिए एक फॉन्ट है इंग्लिश का ये वाला, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये वाला है कोकिला इंग्लिश फॉन्ट, ये वाला है, ये वाला जो फॉन्ट है हम इसके लिए एक शॉर्टकट की बनाएंगे।
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस 4 बटन को प्रेस कर सकते हैं, या आप जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारी कोई राय नहीं है कि आप 4 नहीं 4 ही प्रेस करिए आप, या फिर 5 ही प्रेस करिए। आप चाहें तो कंट्रोल 5 दे सकते हैं, कंट्रोल 6 दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको असाइन कर दीजिए। इसी तरीके से आप और भी फॉन्ट को असाइन कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप चाहें तो आप और भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट हैं। चलिए ठीक है, एक और दिखा देते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला जो फॉन्ट है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फॉन्ट का जो ये जो शॉर्टकट की है, उसे भी हम देते हैं कंट्रोल प्लस 5 बटन को प्रेस कर देते हैं। लेट से कंट्रोल 5 बटन को प्रेस करते हैं, ये हम मान के चलते हैं। असाइन कर दीजिए, आप कोई भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद फिर आप चाहें तो कोई हिंदी फॉन्ट का भी और भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ से, वन सेकेंड, एक कहाँ गया भाई, यहाँ से, यहाँ पर आपको यहाँ से, चलिए ठीक है, ये वाला फॉन्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं इसका जो ये जो शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस 2 दे देते हैं, असाइन कर लीजिए। बस आपका काम हो चुका है, यहाँ से आप इसे क्लोज करिए, ओके करिए, बस आपका काम हो चुका है। ये ट्रिक अब आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि अगर हमें हिंदी में टाइप करना है, हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस 1 बटन को प्रेस किए, थोड़ा लैंग्वेज इसका, थोड़ा जो लैंग्वेज का जो वो है, जो फॉन्ट साइज है, उसे हम थोड़ा लार्ज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आप इस तरीके से इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, सॉरी हिंदी में टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको जब ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ आप मुझे इंग्लिश में टाइप करना है, तो इंग्लिश में टाइप करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस 4 बटन को प्रेस करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये आपका जो लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आपका लैंग्वेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर आप चाहें तो आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जैसे मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कृति 2010 में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद फिर जैसे मैं कंट्रोल 4 बटन को प्रेस करता हूँ, कोकिला है, इंग्लिश फॉन्ट में सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद फिर हमने एक और सेलेक्ट किया था, कंट्रोल 4 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कृति 2014 सेलेक्ट हो चुका है। और यहाँ से 014, सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ से हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस 2 अब हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो यही ये जो ट्रिक है, इसी तरीके से काम करता है दोस्तों। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का कंटेंट तो खैर यहीं पर समाप्त हो जाता है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप एक लाइक करिए। इसी तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा। और ये इस तरीके के कंटेंट में अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो लोग भी ये टिप्स और ट्रिक्स को जान पाए। तो और अभी भी अगर कोई राय है, कोई समस्या है, कोई विचार है, तो कमेंट सेक्शन में रखिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।